हेलो दोस्तों, आज का एक नया ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो में। आज हम लोग एक 90 किलोवाट मोटर को कहीं असेंबल करना था। उससे पहले उसमें मोटर को हम लोग मेगर किए, मेगर करने में दिखा रहा है वो उसका काफ़ी इंसुलेशन कम था। तो फिर हम लोग उसको इंसुलेशन बढ़ाने के लिए उसे गर्म किए, हीट किए। तो हीट करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसीजर किए तो उसे आप देखिए इस वीडियो में। और चलिए मिलते हैं वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज हम लोग एक मोटर को गर्म करेंगे, इसका इंसुलेशन डाउन हो गया है। तो चलिए कैसे गर्म किया जाता है उसे देखते हैं हम लोग। इसमें हैलोजन फिट करेंगे, कैसे फिट किया जाता है चलिए देखते हैं इसे। तो ये है हेलोजन, हम लोग के पास है दो हेलोजन है, एक तीसरा हेलोजन रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं एक 90 किलोवाट का मोटर है। और इस मोटर को पावर सप्लाई देने से पहले हम लोग इसे थोड़ा हीट कर लेंगे क्योंकि इसका इंसुलेशन थोड़ा कम हो गया है। तो कहीं लगाने से पहले हो सकता है मोटर जल जाए, तो हम लोग इसे थोड़ा काफ़ी हीट कर लेंगे। कम से कम 8 से 10 घंटा हीट करेंगे, उसके बाद इसमें पावर देके इसे चालू करेंगे। इसका मेगर का इंसुलेशन भी देख लेंगे क्या, ताकि इंसुलेशन वैल्यू बढ़ाए कि नहीं। एक मोटर के बैक साइड से हम लोग रखे हैं और दो हम लोग साइड से रखेंगे इसे। एक हैलोजन हम लोग सामने से दिए हैं और दूसरा हेलोजन हम लोग इस तरफ से दिए हैं। तो टोटल इस मोटर में हम लोग 3 हेलोजन दिए हैं। तो इसे ऑन करते हैं एक बार हम लोग। ऑन हो गया। तो इसी प्रकार इसे हम लोग थोड़ा हीट करेंगे ताकि इसका इंसुलेशन बढ़ जाए और कि कम से कम देखते हैं 8 घंटा इसे हीट करते हैं। मोटर का सामने से 2 दिया हुआ है। ये मोटर 24 घंटा हो गया है हीट किए हुए। तो अभी इसका मेगर से हम लोग इसका इंसुलेशन देखेंगे कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं तीनों तरफ हेलोजन दिया हुआ है। तो ऐसे हम पावर बंद करते हैं, फिर से मेगर से चेक करते हैं। तो मेगर हम लोग ऑलरेडी लेके आए हैं, पावर बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसे चेक करते हैं। मोटर काफ़ी गर्म हो गया है, जो कि 24 घंटा गर्म हो चुका है मोटर। तो अभी हम लोग मेगर करेंगे। चलो मेगर कहाँ ऊपर रखोगे, कहाँ रखोगे मेगर? एक जगह ग्राउंड करो, फिर हम पकड़ते हैं। तो पहले मेगर को 0 करके देख लेते हैं। देख सकते हैं 0 हो गया है। मोटर को टेस्ट करते हैं, चलो घुमाओ कितना आ गया वैल्यू, देखो कितना 1.2.5 ना, हाँ 2.5 के आसपास आ गया है। तो तीनों फेज में लोग देख लेते हैं, लगभग इक्वल है। तो दोस्तों, पहले ये 0.5 दिखा रहा था, अभी ये 2.5 हो गया इंसुलेशन। तो काफ़ी गर्म हो चुका है मोटर। तीनों को हम लोग चेक कर लिए हैं, ठीक है, ओके।